ताकि जो लोग अवेलेबल नहीं थे, जो लोग इसको नहीं सुन सके वो इसको सुने, उनके कोई क्वेश्चन है जिनसे हमारी चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, मेरी नॉलेज इम्प्रूव हो सकती है, हमारी स्टडी, हमारी ये सारी रिसोर्स के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है, तो इंशाल्लाह हम उसके अंदर करेंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाता हूँ, वक्त फुर्सत है कहाँ। मेरे ख्याल में सबको उर्दू समझ आ जाती होगी इधर। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूरे तौहीद का, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अल्लामा इकबाल साहब ने भी आपको गज़वा हिंद की बिशारत दे दी है, इसके ऊपर मैं आपको अपना जो एक दूसरा, मेरा तो शेर नहीं है लेकिन जो कनेक्टिंग शेर है वो बताता हूँ कि जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, गज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, इंडियंस सारे गामा, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने। ये जो तुम्हारे से पाकिस्तान बनाया है, ये जो तुम्हारे से हमने बांग्लादेश बनाया है, ये जो तुम्हारे से हाजी पीर लिया है, ये जो तुम्हारे से चाम सेक्टर लिया है, ज़िंदगी की उड़ान अभी बाकी है, गज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। अपना ख्याल रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में हम आएंगे, कुतुब मीनार अपना जिसके ऊपर ये पैसे कमा रहे हैं हरामखोर, रॉयल्टी हमें देते नहीं हैं, वो वापस लेंगे। ताजमहल जिसके ऊपर ये पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं उसके अंदर से, रॉयल्टी हमें देते नहीं हैं, वो वापस लेंगे। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि लाल किले के अंदर हर 15 अगस्त को ये सरमनी करते हैं, हमारा बनाया हुआ किला मुसलमानों का, उसके अंदर मुफ्ता इन्होंने लगाया हुआ है। तो पहली बात ये कि इनकी हुकूमत तो रहेगी नहीं, लेकिन इनसे जितने पिछले साल 75 साल में इन्होंने सरमनियाँ की हैं उन सारों के पैसे लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इंशाल्लाह।